काश पता होता कि ये छुट्टियां तबरेज और फरहा की जान पर पड़ाएंगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में शनिवार को आतंकी हमला हुआ। ये हमला अनंतनाग के पहलगाम के पास एक ओपन टूरिस्ट कैंप में हुआ, जहां आतंकियों ने एक टूरिस्ट कपल को गोली मार दी। इस घटना में वो बुरी तरह घायल हो गए हैं। फिलहाल इनका इलाज जारी है, लेकिन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये कपल राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि उनका ये सफर उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आएगा। घटना हो गई ना उनके साथ, कितने लड़के थे? दो। दो थे? तो बड़े थे छोटे थे? छोटे। छोटे भाऊ बेटे दोनों थे? जी। उनके साथ फैमिली भी थी? बच्चे सही सलामत हो दोनों? सही दोनों। आपको कब पता लगा? शाम को ही पता लग गया था। शाम को? हाँ, रात को 9 बजे, 9:30 बजे। सुबह बात हुई उनसे, मेरे से फिर अच्छे खासे बोला मम्मी अम्मा जा रहे घूमने जा रहे, बोले लाप सुमरत कर दिया था मैंने तुम। आपका नाम? 13 तारीख को गए थे वो सुबह 6 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से। उनके साथ क्या हुआ? वो पहलगाँव में घूमने के लिए टूर वाला लेके गया था, तो वहाँ से घूम फिर के आ गए शाम को, सुबह के गए हुए थे। जैसे काम बस में से वो ट्रेवल टेम्पो से उतर रहे थे होटल में जाने खाना खाने के लिए, जैसे अंदर जाने लगे और लोग तो अंदर चले गए, वो कुछ दूरी पर रह गए। इस तरह वो मोटरसाइकिल पाए और गोली फायरिंग करके भग गए। बच्चे के तो लड़के के तो तबरेज उर्फ सन्नी के तो यहाँ लगी गोली निकल गई, और उसके एक मिसेज के फरा खान के यहाँ कंधे से छूकर निकल गई। उसका ऑपरेशन कल रात को हो गया लड़के का, तो और फरा खान का ऑपरेशन चल रहा है इस टाइम पे हॉस्पिटल। दो बच्चे थे दोनों, वो थोड़ी दूरी पर थे वो बच गए, एक लड़का एक लड़की दोनों थे 5-5.5 साल के। माँ बाप पर क्या बीत रही है ये उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। फिलहाल टारगेट किलिंग में दोनों पीड़ितों का इलाज जारी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।